प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने कुछ सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर सेकंड टर्म के लिए बनाए हैं और वो सभी क्लासेस के लिए बनाए हैं, तो सबसे पहले हम इस सीरीज में नाइन्थ क्लास के एक सैंपल पेपर को डिस्कस करते हैं। टेंथ क्लास का सैम्पल पेपर ऑलरेडी एक डिस्कस कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि नाइन्थ क्लास का जो क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर हमें मिला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बाई लैंग्वेज है। जैसा आप देख रहे हैं नाइन्थ क्लास है तो यहाँ मार्क किया हुआ है 40 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स इसका टाइम पीरियड होगा। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन या जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनके बारे में देखेंगे, तो उसमें कहा गया है इस प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न हैं जिनको 3 खंडों में ए ब स में विभाजित किया गया है। खंड ए में 2 अंकों के 6 प्रश्न हैं, 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब इंटरनल चॉइस है। खंड ब में 3 अंकों के 4 प्रश्न हैं, 1 प्रश्न में आंतरिक विकल्प है, और खंड स में 4 अंकों के 4 प्रश्न हैं, 1 प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। यहाँ इन्फॉर्मेशन ये भी दी गई है कि कैलकुलेटर के प्रयोग नहीं करेंगे। अब इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में जनरल इन्फॉर्मेशन में इंस्ट्रक्शन में कहा गया था क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चन डिवाइडिंग इंटू 3 सेक्शंस ए बी सी। सेक्शन ए हैव द 6 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स ईच। इंटरनली चॉइस हैज प्रोवाइडेड 2 क्वेश्चन, मीन्स 2 क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की जाएगी और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से ये सेक्शन ए जो है वो आपका 6 × 2 = 12 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी कंपेराइज इज द 4 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स ईच एंड 1 क्वेश्चन हैव इंटरनल चॉइस। तो यहाँ पर 4 × 3 ये भी आपके 12 मार्क्स के हो गए। एंड नंबर 3 सेक्शन सी कंप्राइज 4 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स एंड इंटरनल चॉइस इज 1 क्वेश्चन एंड 2 केस स्टडी क्वेश्चन। यहाँ पर 2 केस स्टडी क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। इस प्रकार से यहाँ पर 4 × 4 16 और ये आपके 40 मार्क्स टोटल हो गए, जिसमें आपके पास जो क्वेश्चन करने के लिए परमिशन है वो 14 क्वेश्चन करेंगे आउट ऑफ 18। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फर्स्ट ए में क्या है, यदि हिंदी में देखेंगे उसमें क्या है, घनाभ के आकार का एक टैंक है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि इसमें से 18 घन मीटर पानी निकाल लिया जाए तो पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। टैंक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसको इंग्लिश में भी देखेंगे तो इंग्लिश में क्या लिखा है उसको देखते हैं। ए टैंक इन द फॉर्म ऑफ द क्यूबॉइड हूज द लेंथ इज 20 मीटर। इफ 18 क्यूबिक मीटर वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट द वाटर लेवल गोज डाउन 15 सेंटीमीटर। फाइंड द वेर्थ ऑफ टैंक। अब टैंक की स्थिति क्या है, किस टाइप का टैंक होगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टैंक की शेप उसमें बता दी है कि वो क्यूबॉइड शेप है, घनाकार है। घनाकार क्यूब इस टाइप का होगा। यहाँ आपके पास एक ये बॉक्स है, इसमें आपको जो लेंथ दी हुई है वो 20 मीटर है। 20 मीटर लेंथ गिवन है, ये डिस्टेंस 20 मीटर होगा, लेंथ है ये, लेकिन ब्रेथ क्या है, बी हम कंसीडर करेंगे, ब्रेथ को बी कंसीडर कर लें, लेकिन वाटर की हाइट कहीं, ये वाटर इसमें भरा हुआ था, यदि हम इसको देखें कि वाटर यहाँ कहीं है तो वो पानी निकलने के बाद ये इसका लेवल कुछ नीचे हो गया। सपोज करो कि ये यहाँ से इतना कम हो गया और इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। पानी का जो वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम डेंसिटी आयतन 15-18 घन सेंटीमीटर वो कम कर दिया गया है। तो यहाँ हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 18 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। अब इसको हमें क्या करना है, देखना यह है कि यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ के आयतन की बात करेंगे, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ या क्यूबॉइड
क्यूबॉइड या हम इसको कहें तो घनाभ कहेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मीन्स एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अब आपके पास जो घन दिया हुआ है उसका आयतन है 18, लेंथ 20 है, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है और हाइट ऑफ वाटर जो आपको यहाँ गिवन था 15 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है तो मीटर में क्या करेंगे, मीटर में इसको 15 को डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप 15 अपॉन 100 कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सभी क्वांटिटी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आप सपोज करो कि ये एक जीरो कैंसिल हो सकता है, यहाँ से यदि आप 2 से 10 को कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा और 5 से 15 को कैंसिल करोगे तो ये 3 आएगा। बट बेस फाइंड करने के लिए, बेस फाइंड करने के लिए आपको 18 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ 6 मीटर जो है ब्रेथ ऑफ द टैंक आएगी, मीन्स उस टैंक का जो चौड़ाई है वो 6 मीटर होगी। अब इसी क्वेश्चन में चॉइस दे दी गई है, इसको कहते हैं इंटरनल चॉइस, आंतरिक विकल्प दे दिया कि पहला पार्ट करना है या दूसरा पार्ट करना है। अब इसमें कहा है एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हूज द सरफेस एरिया इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको सरफेस एरिया देखना है, तो अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर में जब देखोगे तो क्या होता है, ये ध्यान देना है, वो होता है 4πr² मतलब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि गोले का आयतन ज्ञात करना है लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, उसने कहा जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो 4πr² है। ये हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 22/7 और आर निकाल लेते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर हमें पता चलेगा तभी हम इसको करेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, आर स्क्वायर का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आर स्क्वायर निकालने के लिए 616 गुना 7 बटे में 4 गुना 22 और आर निकालने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा, तो किससे कैंसिल हो सकता है, देखो ये आपका 22 से 616 कैंसिल हो सकता है, 11 से कर सकते हो आसानी से हो जाएगा, 4 से भी हो सकता है तो पहले 4 से कर देते हैं। चलिए 4 से करेंगे तो क्या होगा, 4 से 616 को काटेंगे तो यहाँ 4 एकम 4 होगा, फिर 6 में से 4 के 2 बचेगा, फिर 21 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, फिर 16 बचेगा और 4 16 हो जाएगा। फिर यदि तुम यहाँ से 22 से काटते हो तो ये 7 गुना कट जाएगा 7 बार। अब आर स्क्वायर का मान जो है वो 49 आ गया या 7 का स्क्वायर आ गया, तो आर जो आ गया वो 7 सेंटीमीटर आ गया। अब उसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमें याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3πr³। अब इसमें आप यदि फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 4/3 होगा, पाई की वैल्यू 22/7 होगा और आर क्यूब रखेंगे तो 7 × 7 × 7 करेंगे तो 1 7 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। चलिए बाकी सबको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो लिखेंगे यदि तो यहाँ से 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 होगा, 88 × 7 करना पड़ेगा, 47 करना पड़ेगा, तो 88 × 49/3 सेंटीमीटर क्यूब, इसको कैलकुलेट करके आप कर सकते हो कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे तो उसमें क्या है, x = 3 पर बहुपद ये का मान ज्ञात करो, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू हमें
माइनस थ्री गिवन है, उस बहुपद में पॉलीनोमियल में सब्स्टिट्यूट करनी है, मीन्स यहाँ पर एज ए रिमाइंडर फाइंड कर देना है। तो क्या होगा जब आप इसमें एक्स को माइनस थ्री पुट करेंगे, तो टू इंटू माइनस थ्री प्लस फाइव है, तो यहाँ टू इंटू थ्री माइनस सिक्स आएगा, प्लस फाइव है, रिजल्ट माइनस वन आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया माइनस वन। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री को देखोगे तो उसने कहा एक जोकर की टोपी एक लंबवत या शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की टोपी 10 टोपियां बनाने की आवश्यकता सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कहा है जोकर कैप इन द शेप ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विद बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स। मतलब आपके एक जोकर की कैप किस शेप की होती है, वो एक कोन की शेप होती है, इस तरह से हम कॉनिकल शेप बनाते हैं। इसकी कोई हाइट है या इसकी रेडियस होती है। उसने कहा एक जोकर की टोपी जो लंबवर्ती शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यहाँ आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और उसने कहा कि उसकी ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। अब हमें इस टोपी को बनाने के लिए हमें इसकी स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ टोपी तिरछी ऊंचाई के साथ बनती है, तो हमें एल चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, तिरछी ऊंचाई चाहिए। तो एल यदि निकालेंगे तो वो एक फॉर्मूला होता है जिसमें एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब एच क्या है हमारे पास, वो तो 24 है। अब रूट 24 का स्क्वायर करोगे प्लस 7 का स्क्वायर करोगे, इसको आप हल करोगे तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अकॉर्डिंग टू दिस अब यदि स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 625, 625 आएगा, 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 आएगा, तो आपके पास सेंट हाइट आ गई 25 सेंटीमीटर। अब सेंट हाइट को यूज करते हुए आप सरफेस एरिया निकालोगे, बट हमें क्या चाहिए, 10 कैप्स का सीट चाहिए। तो रिक्वायर्ड सीट क्या होगी, यदि हम रिक्वायर्ड सीट देखें तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 10 इंटू पाई आर एल होगा, क्योंकि 10 कैप बनानी है। अब यहाँ पर आप 10 इंटू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास 7 है और एल 25 है, तो 7 से तो आप 7 को कैंसिल कर सकते हो। यदि आप 22 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये 25 इंटू 22 करते हैं तो यहाँ पर आएगा 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 प्लस 55 और एक जीरो आ जाएगी, तो ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ सीट आएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। मीन्स कहा है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम्स डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहां आप सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाएं, यहां से एक डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। यदि हम मार्क करते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो पैरेललोग्राम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें मालूम होती हैं, प्रीवियस नॉलेज हमें मालूम होती है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, प्रीवियस नॉलेज है, तो ये दोनों साइड भी अपोजिट में इक्वल होंगी। अब गिवन इंफॉर्मेशन में क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो साइड इक्वल होंगी। अब हम प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या जरूरी है, यदि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, प्रूफ में लेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ए बी डी में ले रहे हैं, सिमिलरली डी सी बी ले लें,
और देखिए क्या क्या हमारे पास है, अवेलेबिलिटी क्या है। देखिए आपके पास ए बी जो साइड है वो डी सी के इक्वल है, तो ये हम कह सकते हैं एक पॉइंट हमें मिलेगा कि ए बी इक्वल टू डी सी। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो गई, बट एंड आपके पास ये साइड कॉमन है, ए डी बी डी इज अ कॉमन साइड। कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ है। अब आप यहां प्रॉपर्टी लगाएंगे साइड एंगल साइड साइड साइड, क्यों, क्योंकि आप ये साइड इसके इक्वल है, ये आपकी इसके इक्वल हो गई और ये कॉमन थी, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रूएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल आपने जो भी नाम दिए गए उसमें आप लेंगे ट्रायंगल ए बी डी आर कॉन्ग्रूएंट टू ट्रायंगल ऑफ डी सी बी बाय साइड 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 रूल। आपको इतना ही प्रूफ करना था, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रूएंट हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रक्षेपित करते हैं यदि कोण एंगल डी बी सी 70 डिग्री है। आप फिगर को देखेंगे, डी बी सी आपको 70 डिग्री मिल रहा है और बी ए सी 30 डिग्री है। वो कहा है उसने फाइंड बी सी डी, बी बी सी डी ये आपको फाइंड करना है। अब इसके में आप हिंट देखेंगे, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें जो नीचे लिखा है इंग्लिश में लिखा है, इन्हें ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुज द डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई इफ एंगल डी बी सी 70 डिग्री बी ए सी 30 डिग्री फाइंड बी सी डी। तो देखेंगे यहाँ आपके पास ये एंगल कब मिलेगा, आपका ये एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से मिल सकता है कि यदि आप दिस एंगल को बता दें कि दिस इज एंगल टू दिस 70 डिग्री बिकॉज सेम सेगमेंट एंगल। अब सेम सेगमेंट एंगल कौन सा है ये आप समझ लें, सेम सेगमेंट एंगल में आप बनाएंगे यहाँ सी बी डी एंड सी ए डी आर सेम सेगमेंट एंगल, मीन्स ये एंगल आपका सेम होगा जितना ये है। अब यहाँ तो 70 था तो ये भी 70 हो गया। अब ये टोटल कितना हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180। तो आप यहाँ मार्क करेंगे एंगल डी ए बी, डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री है तो आपके पास यहां इन दोनों का सम क्या है, ये आपके पास 30 प्लस 70 हो गया और एंगल बी सी डी इक्वल टू आपके पास हो गया 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी की जो वैल्यू होगी वो आएगा 180 माइनस सम ऑफ बोथ मीन्स 30 प्लस 70 100, तो ये आएगा 80 डिग्री। आपका जो एंगल है बी सी डी वो 80 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें इंटरनल चॉइस गिवन है, उसने कहा सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, इसको आप देखें तो उसमें क्या आया था, प्रूव दैट द इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल सेपरेटेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सर्कल चैप्टर की ये कंस्ट्रक्शन है, थ्योरम है। इसने क्या है, इक्वल कोण, इक्वल कोण आप बना दें एक सर्कल में, सपोज करो ये एक आपने एक ए एंड बी कोण बनाई, इधर सिमिलरली एक ये और कोण बना देते हैं सी एंड डी। सेंटर यहाँ देखेंगे तो सेंटर से पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं एज दिस, ये सेंटर ओ है। तो आपको मालूम है कि ए बी सी डी के इक्वल है, गिवन है ये आपको। इसने कहा है टू कोर्ड्स आर इक्वल, ठीक है, जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। मतलब हमें क्या दिखाना है कि एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के बराबर है, ये दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे,
क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? इजी वे में कर सकते हैं। क्यों? देखिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवेन है। सबसे पहले आपको गिवेन है कि ए बी जो कॉर्ड है वो सी डी के इक्वल है, बाकी रेडियस ऑल रेडियस आर इक्वल, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। मीन्स अब देखोगे थोड़ा सा, तो ये ए बी जो पार्ट्स है वो सी डी के इक्वल हो गया। ओ ए ओ सी कह दो या ओ डी कह दो या ओ बी कह दो, ऑल साइड इक्वल है, रेडियस इक्वल होती हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसमें आप लिख सकते हो कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, तो यहाँ दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए ओ बी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ सी ओ डी बाय एस एस एस, ट्रिपल साइड से। ये रूल है कि यदि किसी ट्रायंगल्स की तीनों साइड एक दूसरे ट्रायंगल के साथ इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसमें आप क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी आर इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। ये रूल है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। हमारे पास चार प्रॉपर्टी होती हैं, उसमें से चार में से आपने कौन सी यहाँ यूज की, ट्रिपल साइड वाले। अब इस फर्स्ट सेक्शन का जो सिक्स क्वेश्चन है उस पर देते हैं। तो उसमें क्या, एक यदि एक गोले और एक ठोस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल समान होता है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। मीन्स इफ स्फीयर एंड ए सॉलिड क्यूब हैव द सेम सरफेस एरिया एंड एरिया देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको करते हैं।